दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कोई भी चैनल गोदी कैसे बनता है कभी सोचा है आपने? आप सोचते होंगे जब उसके एंकर सरकार की जी हजूरी करने लगे या फिर जब चैनल के रिपोर्टरों की सरकार के आगे जुबान बंद हो जाए। नहीं, कोई भी चैनल एक्चुअली में सरकार का गुलाम तब बनता है जब उसका संपादक सरकार के चरणों में गिर जाए। क्योंकि किसी अखबार या किसी भी चैनल का जो संपादक होता है ना, वही एडिटोरियल टीम का बॉस होता है। एक संपादक ही बताता है पूरी टीम को, पूरे चैनल को, कि किस खबर को कैसे और किस एंगल से दर्शकों के आगे रखना है। एंकर और रिपोर्टर तो प्यादे होते हैं। दोस्तों आज जो एंकर सरकार की धुनों पर ताथैया कर रहे हैं ना, एक सेकंड में लाइन में आ जाएंगे, एक सेकंड में, अगर उनकी लगाम उनके संपादक ने कस दी तो। लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत ऐसी हो गई है कि एक संपादक को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री, उन्हीं के मंच से पत्रकारिता का पाठ पढ़ा गए और संपादक महोदया बस मुस्कुराती रह गई। दोस्तों गुजरात चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ ने भी सारे चैनलों की तरह बड़े बड़े नेताओं का मंच सजाया, जो कि अमूमन आप देखते हैं होता है। इस मंच में चैनल की संपादक नाविका कुमार इंटरव्यू ले रही थी अमित शाह का। अमित शाह जिन्हें चैनल वालों ने आज के चाणक्य की उपाधि से नवाजा है, उन्होंने खुद ही उन्हीं के मंच से संपादक महोदया को बता दिया कि जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल तो एक्चुअली में गलत है और एज अ जर्नलिस्ट उन्हें सवाल ये पूछना चाहिए था। दोस्तों नाविका कुमार ने अपने प्रोग्राम में अमित शाह से कहा, बीजेपी घबराई हुई है इसीलिए रोज नए वीडियो जारी कर रही है, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ। सवाल ये कि गुजरात में आपका कंपटीशन कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ? दोस्तों संपादक नाविका कुमार के इस जवाब में अमित शाह ने जवाब दिया, जहां तक वीडियो जारी करने का सवाल है तो उसमें सवाल ये पूछना चाहिए था आपने एज अ जर्नलिस्ट कि वीडियो सही है या गलत, क्यों जारी कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? जिन लोगों को आपत्ति है पहले कहें कि वीडियो सही है या गलत, अगर सही है तो उनको जवाब देना है, मुझे नहीं देना है। दोस्तों इतना सब हो गया, भरे मंच से गृहमंत्री संपादक महोदया को क्या सवाल पूछना चाहिए ये तक कह गए और वो बस माइक लेकर मुस्कुराती रही और यही बोल पाई कि पूछे हैं हमने सवाल। सोचिए सरकार में बैठे इतने मजबूत शख्स ने एक संपादक को उन्हीं के मंच में बैठे बैठे पत्रकारिता की क्लास लगा दी और बेचारी संपादक महोदया बस मुस्कुराती रह गई। आगे अमित शाह आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं, जेल मंत्री के जेल जाने के बाद भी आप उसे बर्खास्त नहीं करते हो और जेल में बैठकर वो इस प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करता है, तो जवाब मेरी पार्टी को नहीं, उनके जेल मंत्री जेल में हैं उनको देना है। मैंने तो इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी जेल में जाने के बाद भी मॉरल ग्राउंड पर अपने मंत्री का इस्तीफा ना ले और सारा मीडिया चुप है, इंक्लूडिंग टाइम्स नाउ। इतना होने के बाद जब मंच से तालियां बजने लगी और महोदया को समझ में आ गया कि उनकी खिल्ली उड़ रही है, तो अंत में संपादक महोदया बोली, अमित शाह जी शायद आपने टाइम्स नाउ की डिबेट्स नहीं देखी, मैं आपको क्लिपिंग भेजूंगी, शायद आप व्यस्त रहे होंगे। इसके जवाब में फिर अमित शाह कहते हैं, ठीक है एक आध बार कर लिया होगा। दोस्तों सत्ता के शीर्ष पर बैठे इतने ताकतवर शख्स सीधे मुंह पर संपादक महोदय को पत्रकारिता का पाठ पढ़ा गए, खुद उनके चैनल के मंच से उनके ही चैनल का नाम लेकर आरोप लगा गए और संपादक महोदया बस मुस्कुराती रह गई, ताली बजवाती रह गई। जबकि तरीका तो ये बनता था कि संपादक महोदया को तुरंत अमित शाह को बीच में टोककर कहना चाहिए था कि सर किससे क्या सवाल पूछना है, एज अ जर्नलिस्ट कृपया आप मुझे ना बताएं, ये मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात ये कि आपने सार्वजनिक जीवन की बात कर ही दी है तो आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी के सुपुत्र अपनी थार गाड़ी से बेकसूर किसानों को कुचलने के आरोप में अब भी जेल में बंद हैं। वहीं टेनी जी खुलेआम गृह राज्य मंत्री रहते हुए न केवल किसानों को भड़काते बल्कि मीडिया को भी धमकाते दिखाई दिए, लगातार अपने बेटे का बचाव करते रहे जब उनका बेटा फरार था, जब उनकी बेटे को पुलिस ढूंढ रही थी, तब आपने अपने माथहात गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, क्या ये सवाल नहीं बनता था? दोस्तों पत्रकारिता का उसूल है क्रॉस क्वेश्चन करना, ये कोई रैली नहीं चल रही थी जहां बैठकर अमित शाह भाषण देते, तालियां बजती और प्रोग्राम खत्म। पत्रकारिता का उसूल है कि आपको मुस्कुराते बस आज्ञाकारी नहीं दिखना है, आपको सामने कोई भी बैठा हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, आपसे उनसे वो सवाल पूछने हैं जो उन्हें असहज करे, जो सवाल आम आदमी के सवाल हो। दोस्तों आप सोच कर देखिए, अगर किसी और पार्टी का नेता या मंत्री संपादक महोदया को उन्हीं के मंच से इतना सुना डालता तो वो अब तक उसका क्या हाल करती, क्या हश्र करती। वैसे बाय द वे
ये वही नाविका कुमार है जिनके मंच से कंगना रनौत ने कहा था कि 2014 से पहले जो आज़ादी देश को मिली है वो तो भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो 2014 के बाद ही देश को मिली है। तब भी नाविका कुमार स्वतंत्रता आंदोलन के अपमान पर कंगना को अपने मंच से टोक नहीं पाई, तब भी मुस्कुराती रह गई थी। बाद में जब चैनल की बहुत ज़्यादा छीछालेदर हुई सोशल मीडिया में, तब चैनल को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ गया कि चैनल कंगना के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, यह कंगना का निजी बयान था। दोस्तों, नाविका कुमार और अमित शाह का ये वाक्या एक जीता जागता प्रमाण है कि जब चैनल के संपादक की ही सरकार के आगे बोलती बंद हो जाएगी तो चैनल के एंकर या रिपोर्टर या प्रोड्यूसर की क्या ही हिम्मत होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके उतना थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें।